हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सतनाम टेक में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें हम इंडियन वुमेंस टीम और ऑस्ट्रेलियन वुमेंस टीम के बीच में जो मैच होने वाला है जिसमें अभी 16 घंटे बाकी हैं उसकी टीम ड्रीम टीम लेके आए हैं। और दोस्तों, मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें पेशावर और इस्लामाबाद की अपडेटेड टीम दी है, उसमें कुछ करेक्शन किए गए हैं, वो अभी अपलोड की है, आप जब से ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें एक दो चेंजेस हैं जिसे आप ज़रूर चेंज कर लीजिएगा अगर आप ग्रैंड टीम खेल रहे हैं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले टीम 11 देख रहे थे। जैसे इंडियन टीम को आप जान रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हार जरूर चुकी है, पर ये मैच इंडिया के लिए डू और डाई है अगर उसे फाइनल में पहुंचना है। अगर ये मैच हार जाती है तो इंडिया के लिए फाइनल में पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, इंडिया अपना बेस्ट करना चाहेगी, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। अभी देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 टीम। चलते हैं दोस्तों, तो जैसे हमने यहाँ पे प्लेइंग 11 टीम बना रखी है इंडिया की, पहले हम इंडिया की देख लेते हैं। इसमें मिथाली राज और स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, वेदा, कृष्णमूर्ति, पी वस्तकार, ए पाटिल, जिमीजा रोड्रिग्यूज, तमन्ना भाटिया, तानिया भाटिया, दीप्ति शर्मा, झूलन गोस्वामी, पूनम यादव, ये सब वो हैं जो अभी सेकंड मैच में खेल चुके हैं। अभी थर्ड मैच में जो पहले मैच में चेंजेस हुए थे उसमें हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख लें रुमेली धार और शीशा पांडे, ये दोनों फर्स्ट मैच में खेली थी पर इस मैच में इन्हें नहीं खिलाया है, क्योंकि रुमेली धार के हम पॉइंट्स भी देख सकते हैं। ड्रीम इलेवन में -1 पॉइंट मिला था जिन उनका उन्होंने जो ओवर अपने बॉलिंग में रन्स दिए थे काफ़ी ज़्यादा दिए थे, इसलिए उन्हें चेंज किया गया है। उनकी जगह दो प्लेयर ऐड किए गए हैं, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रिप्लेस लिखा है, दीप्ति शर्मा ने रिप्लेस किया रुमेली धार को और शीशा पांडे की जगह आई हैं पी वस्तकर, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छा खेला था, तो अभी कोई चांसेस नहीं है आने के। और जैसे हम जानते हैं ये दोनों प्लेयर तो इंजर्ड हैं तो इनका भी कोई चांस नहीं है। एक बार देख लेते हैं, जैसे कि मिथाली राज और स्मृति मंदाना दोनों ही इंडियन टीम की बैकबोन कह सकते हैं, या फिर अब तक जो दोनों मैच हुए हैं सबसे ज़्यादा रन इन्होंने ही बनाए हैं, अच्छी ओपनिंग स्टैंड देती हैं, तो हम अपनी टीम में इन दोनों को तो ज़रूर रखेंगे क्योंकि इंडियन टीम में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर देखा जाए तो यही है। और थर्ड पे आ रही हैं हरमनप्रीत कौर, जो पहले मैच में फोर्थ नंबर पे आई थी पर इस बार उन्हें प्रमोट किया गया और थर्ड नंबर पे आई हैं। और जो थर्ड नंबर पे आए थे जिमिया, उन्हें नीचे उतारा गया है, क्या पता उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, और हरमनप्रीत ऊपर खेली थी और ठीक ठाक अभी रन भी बनाए थे थर्ड मैच में हरमनप्रीत ने। और फिर वेदा कृष्णमूर्ति ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही हैं, ज़्यादा नहीं तो एक मैच फर्स्ट मैच में 15 रन बनाए थे, सेकंड मैच में शायद 3 या 4 रन बनाए थे, इतना कुछ खास नहीं है। और जिन्हें रिप्लेस किया गया था शिखा पांडे की जगह पे पी वास्तकार को, इन्होंने 22 रन बनाए, कोई विकेट तो नहीं ले पाए पर 22 रन काफ़ी ठीक है इंडियन परफॉर्मेंस देखा जाए। और फिर ए पाटिल अच्छा खेल रहे हैं, पहले मैच में 35 रन बनाए थे, फिर सेकंड मैच में बॉलिंग भी कर लेते हैं पाटिल पर विकेट तो कोई नहीं ले पाए, पर जिमी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इतना खास नहीं है। और तानिया भाटिया विकेट कीपर जो काफ़ी लो आती हैं और उनका परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं रहा है, तो हम जब विकेट कीपर का भी ड्रीम 11 टीम में सेलेक्ट करेंगे वो ऑस्ट्रेलियन टीम का ही होगा। तो और यहाँ पे दीप्ति शर्मा, जिन्हें पिछली बार मौका दिया गया था रुमेली धार की जगह, उन्होंने यहाँ पर 2 विकेट ज़रूर दिलाए थे हमें, इसलिए उनका रिप्लेस होने का कोई चांस ही नहीं है। झूलन गोस्वामी इंडियन टीम की बॉलिंग में जो लीड कर रही हैं, वो झूलन गोस्वामी में हर मैच में कुछ ना कुछ विकेट लेके ही आती हैं, फर्स्ट मैच में 3 विकेट लिए थे, सेकंड मैच में शायद 1 या 2 विकेट ले लिए हैं। और पूनम यादव ठीक है, रन्स भी नहीं बना रही हैं पर विकेट और बैटिंग कर लेती हैं, पहले मैच में 1 विकेट लिया, दूसरे मैच में कोई विकेट नहीं ले पाए पर पहले मैच में विकेट भी लिया था, अगर बैटिंग आ जाए तो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अभी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं हुआ था, पर जो एक चेंज हुआ था वो काफ़ी ही हैरान करने वाला था, जिसका किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। इसे हम देख लेते हैं, बीएल मुनी, एजे हेल, ए गार्डनर, एसले विलियन, आरएल हैनेस, ईए पेरी, एस मोलिनिक्स, डिलिसा, जेस मेघन और निकोले कैरी, ये उनके प्लेइंग 11 थे जो सेकंड मैच में खेले थे।
फर्स्ट मैच में मैं ग्लेनिन खेली थी जो कि कैप्टन है, उन्हें की जगह निकोला को खिलाया गया जिनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, अच्छा नहीं रहा। और मैग्लेनिन मैच के बाहर क्यों हुई कोई न्यूज़ नहीं है। जैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उनकी जो शोल्डर इंजरी थी शायद उनको इंजरी आ गई होगी क्योंकि पहले भी उनकी एक दो बार सर्जरी हो चुकी है, अभी तक भी कोई न्यूज़ नहीं है। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं मैग्लेनिन भी नहीं खेलेंगी। जो प्लेइंग इलेवन सेकेंड मैच में थी वही प्लेइंग इलेवन अभी सेम रहेगी। तो चलते हैं दोस्तों आपको ड्रीम इलेवन टीम दिखा देते हैं एक बार। जैसे कि हमने ड्रीम इलेवन टीम बनाई है, इसमें हम ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर सेलेक्ट करेंगे। आप जैसे देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का विकेट कीपर मैंने ले रखा है तमन्ना भाटिया का। परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो दोनों ही मैच में उन्हें बैटिंग करने का चांस तो नहीं मिला है क्योंकि इंडिया के जो टॉप ऑर्डर है वहाँ ही मैच पर ख़त्म हो जाती है। पहले मैच में 5 विकेट गिरे थे इंडिया के और दूसरे मैच में 4 विकेट गिरे थे जो T20 खेले जा रहे हैं, तो उनकी बैटिंग आ ही नहीं रही और उनका परफॉर्मेंस भी देखा जाए तो इतना अच्छा नहीं है। और एसले को देखा जाए तो एसले यहाँ पे ऊपर खेलने आती हैं, ओपनिंग करती हैं, तो उनके हमें रन बनाने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए एसले के साथ ही जाएंगे। अब बैटिंग में आते हैं तो बैटिंग में हमने मिथाली राज और स्मृति को लिया है जो दोनों ही काफ़ी ही अच्छे फॉर्म में, आप उनके पॉइंट्स भी दे सकते हैं। और बीएल मुनी, एसले विलानी और रैकेल हेजनेस जो पिछले मैच में कैप्टन बनी थी ऑस्ट्रेलिया टीम की, ये हम टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ही चुनेंगे। जैसे हम देख रहे हैं सब मैचों में ऑलमोस्ट 150 प्लस रन बन रहे हैं, यानी कि हम अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा 5 बैट्समैन रखेंगे और बॉलर 3 ही रखेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 बैट्समैनों के साथ जाएंगे। और जैसे आप देख सकते हैं वेदा कृष्णमूर्ति के साथ भी जा सकते हैं, पर कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, पहले में 15 और सेकंड मैच में 3 रन, तो हम नहीं सेलेक्ट करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम 5 के साथ जाएंगे। मैग्लेनिन की अब तक कोई न्यूज़ नहीं है, अगर आप एक आधे ड्रीम में ट्राई करना चाहेंगे तो मैग्लेनिन को मैं कहूँगा कि आप एक 6 टीम अगर बना रहे हैं तो एक टीम में ट्राई करिए, पर उन कैप्टन मत बनाइए, बस एक टीम में ऐसे प्लेयर आप ले सकते हैं, कैप्टन नहीं बनाना है। जैसे अब ऑलराउंडर की तरफ आ जाते हैं, ऑलराउंडर में हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स बहुत कम बच जाते हैं। पॉइंट्स अगर आप ठीक ठाक कर लेते हो तो आप हरमनप्रीत कौर को ज़रूर लीजिएगा अपनी टीम में और एली पेरी को, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इनकी बैटिंग तो नहीं आई दोनों मैच में, एक में आई थी, एक में शायद नहीं आई थी, दूसरे में शायद 2 ही रन बना पाए थे, पर ये बॉलिंग भी कर लेते हैं। फर्स्ट मैच में इन्होंने 2 रन निकाले थे और 2 विकेट भी लिए थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी। आप हरमनप्रीत कौर को भी ले सकते हैं, हम मैंने नहीं लिया है क्रेडिट्स के मैट्स की वजह से। आप एसले पेरी की जगह हरमनप्रीत कौर को भी ले सकते हैं। और गार्डनर काफ़ी अच्छे फॉर्म में है और थर्ड नंबर पर उतरते हैं, मेन बात है ओपनिंग करते हैं और T20 में ओपनिंग प्लेयर ही चाहिए। दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट ज़रूर दिलाए थे पर वो काफ़ी लोअर डाउन बैटिंग करने आती हैं, इसकी वजह से मैंने नहीं लिया है दीप्ति शर्मा को, मैं बैटिंग की तरफ से ही जा रहा हूँ। जैसे आपको बता रहा हूँ हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं तो हम बैटिंग की तरफ से सिलेक्ट करें। आप डेलसी को भी ले सकते हैं पर मैं प्रेफर्ड नहीं करूँगा डेलसी को लेना, दोनों मैच में देखा जाए तो एक एक विकेट ले चुकी हैं, बैटिंग जैसे कि मैं आप बता रहा हूँ नहीं आ पा रही और विकेट से तैयार नहीं निकल रहे हैं कि अगर आप उनको सेलेक्ट करते हैं कि आप ग्रैंड लीग टीम जीत जाएं। और बॉलर्स की तरफ आते हैं तो झुलन गोस्वामी को आप कैप्टन भी बना सकते हैं क्योंकि 2-3 विकेट वो ले ही लेते हैं, उनकी बैटिंग आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बैटिंग विकेट इतने नहीं गिर रहे हैं, हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। मैग्नस कोच को भी ले सकते हैं आप और पूनम यादव को भी ले सकते हैं, पर परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है और देखा जाए तो, और बैट्समैन तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा, बैट्समैन ही प्रेफर करूँगा। पूजा को भी आप ले सकते हैं, सोफिया को भी ले सकते हैं, पर आपको अपने क्रेडिट्स मेंटेन करने होंगे क्योंकि जैसे हम ज़्यादा बैट्समैनों को ले रहे हैं तो ज़्यादा क्रेडिट्स 10-10-9-9 इसमें खर्च हो जाने, तो आप बॉलर्स लेने होगा आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तो क्रेडिट्स मेंटेन करने के लिए मैंने ये बॉलर्स को लिया है। अगर आप मेंटेन कर लेते हो तो आप मैग्ना के साथ जाइए जो काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं, आपको जिता सकते हैं। अब बात आती है कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन दिखा देते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे कैप्टन बनाया मिथाली राज को और वाइस कैप्टन बनाया बेथ मुनी क्योंकि दोनों ही ओपन करती हैं और मैं ज़्यादातर इस बार बैट्समैनों के साथ जाना चाहूँगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं यहाँ पे स्मृति के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि स्मृति भी जिता सकते हैं, तो आप कैप्टन स्मृति को भी बना सकते हैं, यहाँ से स्मृति को कैप्टन बना सकते हैं, मिथाली राज को भी बना सकते हैं,
एसले विनी थोड़ा लोअर डाउन ऑर्डर आते हैं और दोनों मैच में उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रहा है, कह नहीं सकते। और बेथ मुनी को भी कैप्टन बना सकते हैं और एसले हेनी को भी बना सकते हैं। जैसे पिछली मैच में उन्होंने 65 रन बनाए थे और उन्हें कैप्टन बनाया तो आपने अच्छा खासा विन कर लिया होगा। और देखा जाए तो और बॉलर में तो घुसल गोस्वामी को अगर आप बनाएंगे तो वाइस कैप्टन ही बनाइएगा दोस्तों। तो ज़्यादातर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन बैट्समैन से होना चाहिए और बॉलर में से आप जाएंगे तो सिर्फ झूलन गोस्वामी में आपको प्रेफर करूँगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, शायद आप मेरी इस टीम को देख के सजेशंस को लेकर आप कोई अच्छी टीम बना पाएँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। चलो दोस्तों चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।